कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसा कि फ्रेज खुद बोल रहा है, जो गुड्स सेल हो गया, गुड्स सोल्ड का कॉस्ट कितना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो गुड्स सेल हो चुका उसका कॉस्ट कितना। तो जो गुड्स सेल हो गया वो गुड्स आया कहां से, जो गुड्स सेल हो गया वो आया कहां से, क्या तो वो पहले से था, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, या फिर ड्यूरिंग द ईयर उसको परचेज किए हैं, उसको बोलते हैं परचेजेस। क्या तो गुड्स पहले से था या फिर खरीदे हैं, ये दोनों मिला के टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हुआ, यस और नो। क्या तो पहले से था या खरीदे हैं, ये दोनों मिला के टोटल गुड्स विच इज अवेलेबल फॉर सेल, और गुड्स जो इस ईयर खरीदे हैं उसको खरीदने में कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा है, दीज एक्सपेंसेस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट, दीज एक्सपेंसेस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो ये तीनों मिला के जो आएगा उसको अपने बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर, प्लीज ध्यान देना, ये तीनों को मिला के जो टोटल आ रहा है दैट इज द कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। बट क्या जितना गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है वो सारा सेल हो गया, नहीं, उसमें से कुछ बच गया, जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, जो बच गया उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो जो नहीं बचा वो क्या हुआ, जो नहीं बचा इसका मतलब वो सेल हो गया, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर निकला आपने बोल सकते हैं दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेट्स से फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक वाज 50, टोटल गुड्स परचेज्ड इज 200, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लो वेजेस 20 है और कैरेज इनवर्ट 10 है, तो वेजेस और कैरेज इनवर्ट दोनों ही डायरेक्ट एक्सपेंस है, 20 प्लस 10 मिला के टोटल कितना हुआ 30। तो ये तीनों मिला के अपने को क्या मिला, टोटल कॉस्ट क्या चीज का, जो कि गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, ये टोटल मिला के अपना हुआ 280। बट इस 280 में से क्लोजिंग स्टॉक बच गया जिसका कॉस्ट है 40, तो जो गुड्स बिक गया उसका कॉस्ट कितना, उसका कॉस्ट इज 240। नाउ से फॉर एग्जांपल दिस गुड्स ऑफ 240 इज सोल्ड फॉर रुपीज 300, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ, अगर 300 में बिक गया तो प्रॉफिट इज 60, तो वी कैन से ग्रॉस प्रॉफिट इफ 60, दिस गिव्स यू सेल्स 300। अपने यहां पे दो बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। प्लीज ध्यान देना, जो गुड्स 300 में बिका है और उसमें प्रॉफिट अगर 60 का था, इसका मतलब उसका कॉस्ट कितना हुआ, 300 माइनस 60 दैट गिव्स यू 240, तो वी कैन ऑल्सो से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो आपको क्वेश्चन देगा, आपको जो क्वेश्चन देगा उसमें हो सकता है कि आपको ये सारा डेटा नहीं दे, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लोजिंग स्टॉक वगैरह नहीं देगा। आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पूछा है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन बोलेगा सेल्स इज 300 एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स। प्लीज ध्यान देना, आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेल्स इज इक्वल टू 300, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ सेल्स। उस केस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 20% ऑफ 300 विच इज इक्वल टू 60, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 60। इन दैट केस यू कैन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू
300 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 240। बट क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स नहीं दे करके, ऑन सेल्स नहीं दे के बोल सकता है 25% ऑफ कॉस्ट, 25% ऑफ कॉस्ट ऑल्सो मीन्स 20% ऑन सेल्स। कैसे, 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑन सेल। ये अपने ऑलरेडी क्लास में इलैबोरेटली डिस्कस कर चुके हैं, अगर उसके बाद भी आपको डाउट हो तो प्लीज मेरे को बोलना, दिस आई विल एक्सप्लेन सेपरेटली। आई होप आप लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर उसके बाद भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसमें आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज सेंड मी द पिक ऑफ दैट क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर। थैंक यू।